ये मेरी ये बुजुर्ग खातून है, हमारी माँ के बराबर है, इनका बड़ा एहतराम रहा है, इन्होंने ये जो ज्यादती की है मैं इसको दरगुजर करता हूँ। रुको जरा, सबर करो। अरे बाबा आप तो चुप करो, एक बुजुर्ग औरत बोल रही है, शर्म करो, शर्म करो। बुजुर्ग हूँ, अरे चुप करो, हम तुम्हारे लोटे की बात करता है। आप वीट पे बोले, एडीवी बुजुर्ग, एडीवी बुजुर्ग कोई नहीं, और बैठ जाओ वीट पे करते हैं, हैं? एडीवी बुजुर्ग कोई नहीं, बड़े बड़े बुजुर्गों ने उल्टा दे दिया। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? अच्छा चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ बाबा, इतने क्या तुम लोग जवान बनते हो, बैठ जाओ। मैं क्यों करूं, मुझे जरूरत ही नहीं। अच्छा मैं एक बार बैठ जाओ, मेरे को ना बैठो, चलो 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 45 चलो अपनी जगह। अल्लाह के फजल और करम से चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, मेरे मुन्ने मुन्ने छोटे भाइयों, तो आप याद रखना कि आप लोगों को सारे सारे मुन्ने मुन्ने छोटे भाइयों के आप थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू पॉइंट, क्योंकि ओपन मार्केट में उसको फिर 2800 से लेकर 3000 रुपए तक की कीमत दी जाती है। आप मुझे सिर्फ यह बताएं कि वो किसान जिसको पानी महंगा मिल रहा है क्योंकि उसके ट्यूबवेल के ऊपर जो बिजली का बिल है वो बढ़ता जा रहा है, बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो, उसे बीज जो है वो उधार उठाना पड़ता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास डीएपी खरीदने के पैसे नहीं है, 14,500 से 15,000 रुपए तक वो भी ब्लैक में लेनी पड़ती है, उसके पास यूरिया के पैसे नहीं है, यूरिया भी 10,000 रुपए में मिल रहा है। बिजली महंगी, फ्यूल महंगा, यूरिया महंगा, डीएपी महंगा, और उसके बाद हम ये समझते हैं कि क्योंकि हम सपोर्टिंग प्राइस 3700 रुपए रख देंगे और किसान जो है वो खुशहाल हो जाएगा और पैसे कमाएगा। जो उसकी लागत है किसान की उस गंदम के ऊपर, वो उस लागत से भी 47% कम की आपने सपोर्टिंग प्राइस भी रखी। आप ये देख लें यहां पे, क्योंकि ये जो तुम्हारे अवामी नुमाइंदे हैं, जिन्हें खो के हुकूमत ली है, खो के समझ दो ना, छीनी है हुकूमत, चोरी की है, ये तुम्हारा हक जो है उसका तहफुज करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं कि ये जुल्म न करें, इस जुल्म से आप करते हुए डरें, क्योंकि जिस दिन ये बार आ गए, सानू तो तुसी बार बार कहते हो ना, कब आ रहे हो बार, कब आ रहे हो, जिस दिन ये बार आ गए, जो जल्दी मुझे लगता है कि आ जाएंगे, उस दिन आपका क्या बनेगा, कि किस मुंह से अपने हलकों में फातिहा और जनाजे दे दे, शायद उनके बच्चे आपका दुआ दे दे, मगर अगर ना करेंगे और वो सड़कों के ऊपर आ गए, आपसे कंट्रोल नहीं हो सकेगा, वो बददुआ आपको देंगे। आ गई बहुत सी बददुआएं आपको मिल रही हैं इस हुकूमत को, मैंडेट चोरी करने की बददुआ मिल रही है, गरीबों को जेलों में रखने की ना हक बददुआएं मिल रही है, औरतों और बच्चों को जेलों में रखने की बददुआएं मिल रही है। थैंक यू वकास साहब, बात तो सही है। थैंक यू। यू नो, सिर्फ अपनी पार्टियों में जगह बनाने के लिए बड़ा जालिम कल्चर है सर, मतलब बेजा खुशामद अपनी लीडरशिप की सिर्फ पार्टी में सीटें सिक्योर करने के लिए। भाई जब आपने आना ही फॉर्म 47 के ऊपर है तो कौन है ये लोग, तो उसके बाद आपको पार्टी का खुशामद की जरूरत है, ठीक है जी, खाम खा उनके ऊपर जुमलेबाजी करना, शेख साहब थैंक यू, उनको छेड़ना आ गया आपका, ये नामुनासिब है, ठीक, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं समझता हूं कि जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो गलत हैं।